तो गाइस फाइनली आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ब्लू एंड ऑरेंज टाइप की फोटो एडिटिंग, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। एंड आई नो कि गाइस आप इस मॉडल का नाम जरूर जानना चाहते होंगे एंड बहुत लोग इस मॉडल का नाम भी जानते हो, लेकिन गाइस अगर आपको इनका नाम जानना है तो आपको वीडियो को कहीं भी बीच में मिल जाएगा आपको इसका नाम, एंड आपको उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर देना। तो फ्रेंड्स चलिए जाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले आपको अपने फोटो को लाइट रूम के अंदर इंपोर्ट कर लेना है, जो कि मैंने पहले से ही कर रखा है। एंड अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता तो आपको यहाँ पे एड फोटो का ऑप्शन दिख जाता है, एंड सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके आप अपने फोटो को सिलेक्ट करके एड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने फोटो को ओपन कर लेता हूँ। एंड तो गाइस यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग करनी है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा लाइटिंग एडजस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, जो कि आपको सन टाइप का दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सभी टूल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सपोजर को माइनस में 37 कर लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को 8 रख लेना है, एंड हाइलाइट्स को आपको माइनस में 6, एंड शेडोज को 28 कर लूँगा मैं। उसके बाद वाइट्स को हम प्लस में 6 कर लेंगे, ब्लैक को माइनस में 20 के आसपास, ठीक है। तो गाइस अभी हमारी जो लाइटिंग है एडजस्ट हो चुकी है, अभी ज़्यादा फर्क तो नहीं आया, मतलब डार्क टाइप का लग रहा है, तो मैं थोड़ा हाइलाइट्स को और यहाँ पे कम कर लेता हूँ। तो गाइस हमारी अभी प्रॉपर लाइटिंग एडजस्ट हो चुकी है, एंड अभी आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन में आना है, जिसमें कि हम कलर को एडजस्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कलर को एडजस्ट करना, एंड आपको यहाँ पर टेम्परेचर को प्लस में 8 कर देना है, एंड टिंट को माइनस में 8, आपको वाइब्रेंस को यहाँ पे 16 रख लेंगे, एंड सेचुरेशन को आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं 5 तक इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आपको अपने फोटो में कलर ग्राइडिंग करनी है, जो कि यहाँ पे ऊपर में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, टूल्स की हेल्प से करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मिक्स टूल का यूज करके हम सभी कलर को कलर ग्राइड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कलर आता है वो है रेड, एंड जो हमारा नेक्स्ट कलर है ऑरेंज, एंड देन गाइस उसके बाद नेक्स्ट कलर पे आएंगे, जो कि हमारा येलो कलर है, एंड एंड सेम इसी तरह से ग्रीन को भी कर लेना है। एंड देन उसके बाद गाइस नेक्स्ट कलर आना, जो कि हमारा एक्वा कलर है, नेक्स्ट कलर आना जो कि हमारा ब्लू है, जो हमारा यहाँ पे पर्पल कलर है, इसके हम ह्यू को प्लस में यहाँ पे 10 रख लेंगे, और जो हमारा लास्ट कलर है जो कि पिंक है, इसके हम ओनली ह्यू को यहाँ पे कर लेंगे 40 के आसपास ही कर लेंगे, एंड देन डन कर देंगे, ठीक है। तो गाइस अभी यहाँ पे हमारे सारे कलर जो कलर ग्राइडिंग हो चुकी है, एंड अभी गाइस जो हमारा मेन इफेक्ट देना बाकी है, जो कि अभी देख सकते हो हमारे फोटो में ब्लू कलर नहीं आया है बिल्कुल, अभी थोड़ा ऑरेंज एंड ब्लैक टाइप का लग रहा है। तो गाइस आपको ब्लू कलर लाने के लिए इस टूल का यूज करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इस तरह का टूल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिख रहे होंगे ऊपर में, जो कि डॉट डॉट तरह के हैं, मतलब मिडिल वाले में जाना है, एंड मिडिल वाले में जाने के बाद आपको ब्लू कलर को यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन में जाके इसके भी कलर को कुछ इसी टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस अभी देख सकते हो हमारी फोटो में ब्लू टोन आ चुकी है, एंड आपको यहाँ जो हमारा थर्ड सर्कल है इसको हम थोड़ा यहाँ पे ऑरेंज टाइप के यहाँ पे रखेंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे थर्ड वाले सर्कल को थोड़ा यहाँ पे ऑरेंज टाइप में रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अभी देख सकते हो कि यहाँ पे तीनों को मैंने किस तरह से एडजस्ट किया है, आपको भी सेम इसी तरह से एडजस्ट करना है, जिससे कि आपके फोटो में ब्लू टोन आ जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देन डन कर देना है, एंड उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अपने फोटो में इफेक्ट ऐड करना है, जो कि यहाँ पे आना है इस वाले नीचे वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे मैं टेक्सचर को यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, एंड क्लैरिटी को भी 10, एंड उसके बाद आपको विगनेट को ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 के आसपास रखेंगे विगनेट को। एंड फेदर को पूरा हम यहाँ पे कर लेना है 100, एंड देन आपको लास्ट टूल में जाके एंड यहाँ पे आपको शार्पिंग और थोड़ा बहुत स्मूथ ऐड करना है। तो मैं शार्पिंग यहाँ पे 30 या 40 के आसपास कर लेता हूँ, एंड सेम मास्किंग को भी इसी तरह से 30 के आसपास कर लेता हूँ, एंड आपको नॉइज़ रिडक्शन को भी 30 के आसपास कर लेना है, एंड कलर नॉइज़ को 20 के आसपास कर लेना है, ठीक है। तो गाइस अब देख सकते हो कि हमारी फोटो पहले कैसी थी एंड बिफोर में, एंड अभी देख सकते हो हमारी फोटो में कितनी अच्छी ब्लू एंड ऑरेंज टोन आ चुकी है, ठीक है। एंड मैं आपको इसको दूसरे फोटो पे अप्लाई करके दिखाता हूँ इसके पूरी सेटिंग को। मैं अपने थ्री डॉट पे गया एंड यहाँ पे कॉपी सेटिंग कर लेता हूँ एंड राइट कर देता हूँ, एंड देन इस फोटो पे आता हूँ, एंड यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके
एंड मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि आपके हर फोटो में इस तरह की टोन आ जाएगी, एंड जो थोड़ा बहुत आपको कलर लगे कि यह ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड अपने फोटो में फिक्स करके कम्प्लीटली ब्लू एंड ऑरेंज टोन ला सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल भी कर देना। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड